हे व्हाट्सअप गाइस, तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो गाइस मेरा नाम है अंजलि और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंजलि एडिट में। तो गाइस आज हम ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप की मदद से कुछ इस तरीके का नॉर्मल हेयर को स्टाइलिश में कैसे एडिट करते हैं ना, प्लस हम हेयर पे चमक कैसे अप्लाई करते हैं ना, आज हम आपको सिखाने वाले ओनली 4 स्टेप में। तो गाइस आपको भी कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करना है तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और इस फोटो एडिटिंग में जो भी मटेरियल का यूज़ होगा ना उसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइस बाजू में बेल आइकन है उसे भी दबा देना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे स्नैपचैट को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स बैकग्राउंड ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे हम पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम डुअल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम ऐड फोटो पे जाएंगे और फिर यहाँ से हमें जो फोटो एडिट करना है उसे मॉडल को ऐड करेंगे और मॉडल को यहाँ पे हम बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो मैं इसको फटाफट से सेट कर लेती हूँ। तो वैसे इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ पे 100% रख देंगे, उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे हम तीन के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ व्यू एडिट पे, फिर डबल एक्सपोजर पे, उसके बाद यहाँ एडिट पे, फिर यहाँ से उसकी ओपेसिटी को हम 0% रखेंगे और फिर यहाँ से हम बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट से इरेज कर लेती हूँ। तो बस आपको कुछ इस तरीके से करना है। फ्रेंड्स हमारा बैकग्राउंड एडिट हो चुका है, तो देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे और फिर यहाँ से बैक कर देंगे। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ फिर से हम पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ से आएंगे, उसके बाद यहाँ हम ड्रम कलर टूल है उसमें हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम पहले नंबर वाला है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सेटिंग को यहाँ पे हम रख देंगे। नाम हो जाने के बाद यहाँ पे हम तीर के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ व्यू एडिट पे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ एडिट पे, उसके बाद यहाँ पर फोटो जूम करेंगे और यहाँ पे हमारे मेडल के फेस को हम यहाँ पे गोरा करेंगे। फटाफट से मॉडल के फेस को गोरा कर लेती हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो वह सब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे और फिर यहाँ से बैक कर देंगे। तो बस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ फिर से हम सेव के आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम फोटो को सेव करेंगे और फिर यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। तो गाइस हमारा ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, और फिर यहाँ पे पहले नंबर वाला ब्रश है उसे हम सिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी सेटिंग पे जाएंगे हम और फिर इसकी साइज को हम यहाँ पे रख देंगे अच्छी तरीके से और फिर यहाँ पे हमारे मॉडल के हेयर को यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टाइलिश बनाएंगे। तो बस आपको कुछ इस तरीके से करना है, तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो
पॉइंट सी का काम हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लाइब्रेरी में जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ और फिर यहाँ पे हम दूसरे नंबर वाला ब्रश से स्मूथ वाला उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और फिर उसकी सेटिंग को यहाँ पे हम रख देंगे और फिर यहाँ पे हमारे मॉडल के हेयर को यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ करेंगे ताकि अच्छा दिखे। तो गाइस इतना काम हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम मॉडल के हेयर पे यहाँ पे हम कट लगाएंगे। और फिर यहाँ पे लाइब्रेरी में जाएंगे और फिर यहाँ पे पहले नंबर वाला ब्रश से उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मॉडल के हेयर के पास कट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ अपने फोटो पे इस तरीके से करना। तो फ्रेंड्स इतना काम हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम फोटो को सेव करेंगे। और फिर यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा ऑटोडेस्क फेसबुक का काम खत्म हो चुका है और फिर यहाँ से हम फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो फिर यहाँ पे हमारा लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से जो हमारा प्रीसेट है उसे हम ऐड करेंगे। फिर यहाँ प्रीसेट ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम उसको कॉपी सेटिंग कर देंगे। तो गाइस अभी हमने जो ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर फोटो एडिट किया था उसे ऐड करेंगे। वो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे हम थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे उसको पेस्ट सेटिंग कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा फोटो एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तब देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। तो फ्रेंड्स यह फोटो को सिंपली सेव करना है तो यहाँ पे हम शेयर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से फोटो को हम सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स आप भी कुछ इस तरीके का फोटो एडिट करते हो ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर टैग करना। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमें सपोर्ट करते रहना। जय हिंद जय भारत।